बिग बॉस OTT3 के बाद अब फैंस को इंतजार है सलमान खान के बिग बॉस का। बता दें, रोहित शेट्टी के खतरों के खिलाड़ी 14 को सलमान खान का बिग बॉस 18 रिप्लेस करने वाला है, यानी कि अक्टूबर 2024 के आखिरी हफ्ते में बिग बॉस के नए सीजन का प्रीमियर एपिसोड कलर्स टीवी चैनल पर ऑन एयर हो सकता है। इस रियलिटी शो के लिए मेकर्स दीपिका कक्कड़ के पति और मशहूर टीवी एक्टर शोएब इब्राहिम को पहले से ही लॉक कर चुके हैं। बहरहाल, इसके बारे में टीवी एक्टर का कुछ और कहना है, लेकिन अब इस शो को अपनी दूसरी कंटेस्टेंट भी मिल चुकी है। ये दूसरी कंटेस्टेंट कोई और नहीं बल्कि समीरा रेड्डी है। बता दें, सोशल मीडिया पर एंटरटेनमेंट से भरपूर और सास बहू से जुड़े कंटेंट देने वाली समीरा रेड्डी एक फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस रह चुकी हैं, लेकिन शादी के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था। बता दें, समीरा रेड्डी ने हिंदी फिल्म मैंने दिल तुझको दिया से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनके साथ सोहेल खान, संजय दत्त लीड रोल में नजर आए थे। अपने 11 साल के फिल्मी करियर में समीरा रेड्डी ने जॉन इब्राहिम, अनिल कपूर, नाना पाटेकर, परेश रावल, सुनील शेट्टी जैसे कई फेमस बॉलीवुड एक्टर्स के साथ काम किया। इतना ही नहीं, बता दें कि सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि समीरा रेड्डी तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और इंग्लिश फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं। मेगा स्टार चिरंजीवी और जूनियर NTR जैसे साउथ के सुपर स्टार्स के साथ भी वो स्क्रीन शेयर कर चुकी हैं। अमेरिकी टॉक शो होस्टेज ओपेरा विनफ्रे की समीरा रेड्डी बहुत बड़ी फैन है। उन्होंने इंडिया टूर के दौरान ओपरा से खास मुलाकात भी की थी और उन्हें एक साड़ी भी गिफ्ट की थी। साल 2014 में समीरा रेड्डी ने बाइकर और बिजनेसमैन अक्षय वर्दे के साथ शादी की थी। उनके दो बच्चे भी हैं। बता दें, कोविड आने के बाद समीरा रेड्डी ने अपनी सास के साथ मिलकर काफी फनी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू किए थे। इन मजेदार वीडियोस के अलावा अपने सोशल मीडिया पर समीरा ऐसे कुछ मुद्दों पर भी बात करते हैं जिसे ऑडियंस से उन्हें काफी अच्छा कनेक्शन मिलता है। इसके अलावा कॉफी विद करण में जब चैट शो के होस्ट करण जौहर ने सोनम कपूर से पूछा था कि वो सोशल मीडिया पर किस तरह का कंटेंट देखती हैं, तब सोनम कपूर ने भी ये कहा था कि उन्हें समीरा रेड्डी, जेनेलिया देशमुख का कंटेंट देखना ज्यादा अच्छा लगता है। सोशल मीडिया पर समीरा के 17 लाख फॉलोअर्स हैं। अपने बारे में बात करते हुए एक बार समीरा रेड्डी ने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर लिखा था कि मैं एक मेसी माँ हूँ, खुशियां बांटने वाली क्रिएटर हूँ, इम्परफेक्ट होने के बावजूद परफेक्ट हूँ, मुझे कोरियन ड्रामा देखना बहुत पसंद है और फिलहाल मैं गोवा में रहती हूँ। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि गोवा की समीरा रेड्डी मुंबई के बिग बॉस 18 में अपना क्या कमाल दिखाएंगी। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि गोवा की रहने वाली समीरा रेड्डी बिग बॉस 18 में क्या नया धमाल मचाएंगी और अपनी पर्सनालिटी से सलमान खान को खुश कर पाएंगी भी या नहीं। बहरहाल, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन डिजिटल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।